हमारे पास लिखा हुआ है वो है, व्हाट इज दी वैल्यू ऑफ द ग्रेडियंट ऑफ अ डाउनवर्ड स्लोपिंग लाइन। अगर कोई डाउनवर्ड स्लोपिंग लाइन है, यानी कि अगर ऐसी लाइन है कि जो लेफ्ट से राइट साइड पर नीचे आ रही है, तो उसका जो ग्रेडियंट होगा वो क्या होगा। अगर कोई डाउनवर्ड स्लोपिंग लाइन होती है तो उसका ग्रेडियंट लेस देन जीरो होता है, नेगेटिव होता है, तो सी इसका आंसर होगा। अपवर्ड स्लोपिंग लाइन का ग्रेडियंट पॉजिटिव होता है, डाउनवर्ड स्लोपिंग लाइन का ग्रेडियंट नेगेटिव होता है, पैरेलल टू एक्स एक्सिस लाइन का ग्रेडियंट जो होता है वो जीरो होता है, पैरेलल टू वाई एक्सिस लाइन का ग्रेडियंट इन्फिनिटी होता है। ठीक है जी। अच्छा अगला है, टू स्ट्रेट लाइन पासिस थ्रू दी पॉइंट 2.5 एंड 4.9, व्हाट विल बी दी वैल्यू ऑफ वाई इंटरसेप्ट। इसके वाई इंटरसेप्ट की वैल्यू ढूंढनी है। अच्छा वाई इंटरसेप्ट की वैल्यू ढूंढने के लिए दो तीन मुख्तलिफ तरीके इस्तेमाल हो सकते हैं। एक तो ये है कि मैं इक्वेशन लाइन की ढूंढ लूँ और फिर उसमें जो है वो मैं सी ढूंढने की कोशिश करूँ। दूसरा तरीका ये होता है कि मैं अपने दिमाग को इस्तेमाल करूँ अगर मेरी कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री अच्छी है। देखो यहाँ पर मैं क्या कर सकता हूँ, मेरे पास एक पॉइंट है 2.5, एक पॉइंट है 2.5 और दूसरा जो पॉइंट है ना वो है 4.9, दूसरा जो पॉइंट है वो है 4.9। एम कैसे आता है सर? एम आता है y2 माइनस y1 डिवाइडेड बाई y2 माइनस y1 डिवाइडेड बाई क्या होता है, डिवाइडेड बाई x2 माइनस x1, है ना। हमारा एम कैसे आता है, y2 माइनस y1 डिवाइडेड बाई x2 माइनस x1, इस तरह से आता है। तो अगर हम अपना एम ढूंढेंगे तो हमारा y2 है 9 माइनस y1 जो है वो है 5 डिवाइडेड बाई x2 जो है वो 4 है माइनस x1 यानी कि 2 है। तो हमारा ग्रेडियंट आ गया 2, हमारा ग्रेडियंट आ गया 2, ठीक है ना। 2 इस लाइन का ग्रेडियंट है। और ग्रेडियंट का क्या मतलब होता था, ग्रेडियंट का मतलब ये होता था कि अगर एक्स की वैल्यू में 1 का इंक्रीज आएगा तो वाई की वैल्यू में 2 का इंक्रीज आएगा, एक्स की वैल्यू में अगर 1 का इंक्रीज आएगा तो वाई की वैल्यू में 2 का इंक्रीज आएगा। यानी कि अगर 4.9 ये वाला पॉइंट है तो इससे अगला पॉइंट होना चाहिए 5.11, इससे अगला पॉइंट क्या होना चाहिए, इससे अगला पॉइंट होना चाहिए 6.13। इस तरह से मेरे पास m की वैल्यू 2 जो है वो ये चीज़ बताती है। अगर हम पीछे जाएं, अगर हम पीछे चले जाएं, अगर हम पीछे चले जाएं तो 2.5 से पिछला पॉइंट क्या होगा, 1.3 होगा। उससे पिछला पॉइंट क्या होगा, उससे पिछला पॉइंट क्या होगा, वापस से x में से एक वैल्यू माइनस करो तो 0.1। बात समझ में आ रही है। और 0.1 हमें ये बता रहा है कि जहाँ पर एक्स 0 है वहाँ पर वाई की वैल्यू 1 है, यानी कि ये वाई इंटरसेप्ट की वैल्यू है, यानी कि वाई इंटरसेप्ट पर वाई की वैल्यू 1 है, यानी कि इस सवाल का आंसर डी है। सही है ना। दूसरा तरीका ये हो सकता है कि आप पूरी लाइन की इक्वेशन बना लो, आपको वाई पता चल, आपको एम पता चल गया तो वो इक्वेशन होती है वाई इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। इसमें अब आपको ये पता है कि आपके पास ये बन गई वाई इज इक्वल टू 2x प्लस सी। अब सी ढूंढने के लिए आप कोई भी दी भी एक वैल्यू इनपुट कर दो वाई और एक्स की जगह। 4.9 है तो आप लिख दो 9 इज इक्वल्स टू 2 इंटू 4 प्लस सी। ये क्या किया मैंने, ये किया कि मैंने 4.9 वाला पॉइंट पिक किया, वाई की जगह 9 लिखा और एक्स की जगह 4 लिखा, और अब अगर मैं इसको सॉल्व करूंगा तो 2 इंटू 4 8, 9 माइनस 8 इज 1, यानी कि सी की वैल्यू यहाँ से भी, यानी कि वाई इंटरसेप्ट की वैल्यू यहाँ से भी 1 आएगी। ठीक है, इस तरह से भी आप इसको सॉल्व कर सकते हो। दोनों तरीके वैलिड हैं, दोनों तरीकों से आप सॉल्व कर सकते हो। इक्वेशन ऑफ द लाइन पूछता, इक्वेशन ऑफ द लाइन पूछता कि लाइन की क्या इक्वेशन है, तो वाई इज इक्वल टू 2x प्लस 1, ये इक्वेशन ऑफ द लाइन हो जाती। अच्छा सर यहाँ पर आपने जो इसको सॉल्व करने के लिए एक्स की वैल्यू 4 और वाई की वैल्यू 9 क्यों ली, दिए गए दो पॉइंट्स थे एक 2.5 और एक 4.9, मैंने 4.9 वाला पॉइंट इस्तेमाल करा। हो सकता था कि कोई बच्चा 2.5 वाला पॉइंट इस्तेमाल करे फिर भी उसका आंसर सेम आता। अच्छा जी अगला सवाल, तो इसका मतलब इस 2 का आंसर तो डी हो गया ना, 2 का आंसर क्या है, 2 का आंसर डी है। ठीक है जी। अगला 3 में बोलता है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट ग्रेडियंट इज करेक्ट। ग्रेडियंट के बारे में कौन सा जुमला सही है। ग्रेडियंट ऑफ अ लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस कैन नॉट बी कंप्यूटेड। नहीं, पैरेलल टू एक्स एक्सिस अगर लाइन होती है तो उसका ग्रेडियंट कितना होता है, 0 होता है। ग्रेडियंट ऑफ अ लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस इज ऑलवेज 0।
एक ऐसी लाइन जो पैरेलल टू एक्स एक्सिस होती है उसका ग्रेडियंट हमेशा जीरो होता है, तो 3 का आंसर बी है। एक ऐसी लाइन जो पैरेलल टू एक्स एक्सिस होती है उसका ग्रेडियंट हमेशा जीरो होता है, हमेशा ऑलवेज जीरो, ठीक है, तो बी सिंपली आंसर है। एक पैरेलल टू एक्स एक्सिस लाइन का ग्रेडियंट हमने डिस्कस करा हुआ। फोर्थ में लिखता है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट, इसमें से कौन इनकरेक्ट, इसमें से कौन से जुमले इनकरेक्ट है, सही नहीं है। एन अपर स्लोपिंग लाइन हैज अ ग्रेडियंट विच इज ग्रेटर देन जीरो। अपर स्लोपिंग लाइन का मतलब यह है कि उल्टे हाथ से सीधे हाथ की तरफ अगर देखा जाए तो लाइन ऊपर जा रही हो, और अगर एक ऊपर जाती भी लाइन होती है, एक अपवर्ड स्लोपिंग लाइन होती है, तो उसका ग्रेडियंट हमेशा पॉजिटिव होता है, पॉजिटिव यानी कि जीरो से ज्यादा होता है। एक डाउनवर्ड स्लोपिंग लाइन होती है, एक डाउनवर्ड स्लोपिंग लाइन होती है, तो उस डाउनवर्ड स्लोपिंग लाइन का ग्रेडियंट हमेशा नेगेटिव होता है। एक पैरेलल टू एक्स एक्सिस लाइन होती है, पैरेलल टू एक्स एक्सिस लाइन होती है, तो उसका ग्रेडियंट हमेशा जीरो होता है या इम्पॉसिबल टू जीरो होता है, यानी कि ना वो अपवर्ड स्लोपिंग होती है ना डाउनवर्ड स्लोपिंग होती है। तो पहला जो जुमला लिखा हुआ है एन अपवर्ड स्लोपिंग लाइन हैज अ ग्रेडियंट विच इज ग्रेटर देन जीरो, ये सही है। दूसरा जुमला लिखा हुआ है द स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म ऑफ अ स्ट्रेट लाइन इज वाई इज इक्वल्स टू एम एक्स प्लस सी। अब हम ये भी जानते हैं कि एक स्ट्रेट लाइन का जो जनरल इक्वेशन है वो वाई इज इक्वल्स टू एम एक्स प्लस सी है, इसमें एम हमारा ग्रेडियंट होता है, सी हमारा वाई इंटरसेप्ट होता है, एक्स जो है वो इंडिपेंडेंट वेरिएबल होता है और वाई जो है वो डिपेंडेंट वेरिएबल होता है। अच्छा, फोर का सी बोलता है वाई इंटरसेप्ट इज दी पॉइंट वेयर अ स्ट्रेट लाइन कट्स वाई एक्सिस, ये भी बिल्कुल सही बात है, ठीक है ना। वाई इंटरसेप्ट जहां पर एक स्ट्रेट लाइन वाई एक्सिस को कट करती है उस पॉइंट को हम कहते हैं। और डाउनवर्ड स्लोपिंग लाइन हैज अ ग्रेडियंट विच इज ग्रेटर देन जीरो, डी गलत बात है, डी जो है वो इनकरेक्ट है। अगर एक डाउनवर्ड स्लोपिंग लाइन होती है उसका ग्रेडियंट नेगेटिव होता है, नेगेटिव होने का मतलब है लेस देन जीरो होता है। फाइव पर आते हैं अ लाइन पासिस थ्रू ओरिजन एंड हैज अ पॉजिटिव ग्रेडियंट विच ऑफ द फॉलोइंग पॉइंट्स कैन नॉट फॉल ऑन द लाइन। अ लाइन पासिस थ्रू ओरिजन, ओरिजन का क्या मतलब होता है? अ लाइन पासिस थ्रू ओरिजन, ओरिजन का क्या मतलब होता है? अ लाइन पासिस थ्रू ओरिजन का मतलब ये होता है कि ये लाइन 0.0 से गुजरेगी। अ लाइन पासिस थ्रू द ओरिजन का मतलब होता है कि ये लाइन 0.0 से गुजरेगी, जहां पर एक्स और वाई इंटरसेप्ट एक दूसरे को क्रॉस करते हैं, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस एक दूसरे को क्रॉस करते हैं, वो ओरिजन कहलाता है। एंड एज अ पॉजिटिव ग्रेडियंट, पॉजिटिव ग्रेडियंट है यानी कि लाइन अपवर्ड स्लोपिंग है, लाइन अपवर्ड स्लोपिंग है यानी कि लाइन ऊपर जाती हुई लाइन है, लाइन अपवर्ड स्लोपिंग है यानी कि लाइन जो है वो ऊपर जाती हुई लाइन है। अगर मैं इस लाइन का एक रफ स्केच बना दूं, अगर मैं इस लाइन का एक रफ स्केच बना दूं आप लोगों के आसानी के लिए, तो इसका रफ स्केच किस तरह का होगा जरा यहाँ पर मैं बनाता हूँ। ये हमारे पास एक्स और वाई एक्सिस है और ये इस तरह से ऊपर जा रही होगी लाइन और ये ओरिजिन कहलाता है, ठीक है, जो सेंटर वाला पॉइंट होता है ना ये ओरिजिन कहलाता है। मैं जरा और साफ डायग्राम बना दूं, ठीक है, ये एक्स और वाई एक्सिस है और ये इस तरह से ऊपर जाती हुई जो लाइन है ना ये वो लाइन है जो 0.0 यानी कि ओरिजिन से गुजर रही है और जो अपवर्ड स्लोपिंग भी है, ठीक है जी। अपवर्ड स्लोपिंग का मतलब ये है कि जब उल्टे हाथ से सीधे हाथ की तरफ देखा जाए तो ये लाइन ऊपर जा रही हो, अगर हम उल्टे हाथ से सीधे हाथ की तरफ देखते हैं तो ये लाइन ऊपर की तरफ जा रही है, अगर ये उल्टे हाथ से सीधे हाथ की तरफ, उल्टे हाथ से सीधे हाथ की तरफ ऊपर की तरफ जा रही है तो ये अपवर्ड स्लोपिंग लाइन है। और ये वाला जो पॉइंट है जहाँ पर एक्स और वाई एक्सिस एक दूसरे को मीट करते हैं और जहाँ से ये लाइन गुजर रही है इसको हम ओरिजिन कहते हैं। तो उसने ये बोला लाइन पासेस थ्रू ओरिजिन एक ऐसी लाइन है जो ओरिजिन से गुजरती है यानी कि 0.0 से गुजरती है एंड एज अ पॉजिटिव ग्रेडियंट। अब सर मैंने ऐसी लाइन क्यों बनाई? मैंने उल्टे हाथ से सीधे हाथ की तरफ ऊपर जाती हुई लाइन इसलिए बनाई क्योंकि सवाल में ये मेंशन था कि ये एक ऐसी लाइन है जिसका ग्रेडियंट पॉजिटिव है। ग्रेडियंट पॉजिटिव होने का मतलब ही ये है कि ये एक अपर स्लोपिंग लाइन है। विच ऑफ द फॉलोइंग पॉइंट्स कैन नॉट फॉल ऑन द लाइन, इसमें से कौन सा पॉइंट इस लाइन पे नहीं हो सकता? अच्छा, पहला पॉइंट क्या है? पहला पॉइंट है 2.3। 2.3 का क्या मतलब है? 2.3 का मतलब ये है कि एक्स की वैल्यू भी पॉजिटिव होगी और वाई की जो वैल्यू है ना वो भी पॉजिटिव होगी, ठीक है। अच्छा, ये याद रहे कि हमारे पास ये जो जगह कहलाती है ना, ये जो इलाका कहलाता है,
ये हमारे पास वो रीजन है जहां पर एक्स और वाई दोनों की वैल्यूज पॉजिटिव होती हैं। यहाँ पर एक्स 0 होता है और यहाँ पर एक्स पॉजिटिव 1, पॉजिटिव 2, पॉजिटिव 3 होता है। यहाँ पर वाई पॉजिटिव 1, पॉजिटिव 2, पॉजिटिव 3 होता है। तो ऐसा हो सकता है ना कि ये जो लाइन है ये 2,3 से गुजर रही हो। ऐसा हो सकता है कि ये लाइन 2,3 से गुजर रही हो जहाँ पर एक्स भी पॉजिटिव है और वाई भी पॉजिटिव है। अच्छा, एक और है 1,4। 1,4 अगेन एक्स भी पॉजिटिव है और वाई भी पॉजिटिव है। तो ऐसा पॉसिबल है कि ये लाइन जो है जब पहले क्वाड्रेंट से, इसको हम पहला क्वाड्रेंट कहते हैं जहाँ पर एक्स और वाई दोनों पॉजिटिव होते हैं, ऐसा हो सकता है कि ये लाइन जब गुजरे तो 1,4 से गुजरे। तीसरा है -1,-2। अच्छा, अब देखो यहाँ पर ये जो मैंने आपके सामने ये पहली जगह बनाई ना, यहाँ पर एक्स भी पॉजिटिव होता है और वाई भी पॉजिटिव होता है, ठीक है जी। अच्छा सर, यहाँ क्या होता है, यहाँ पर एक्स नेगेटिव होता है और वाई पॉजिटिव होता है, क्योंकि जब एक्स की वैल्यूज लिखोगे तो एक्स -1, -2, -3 आएगा। अच्छा, यहाँ पर इस जगह पर एक्स भी नेगेटिव होता है और जो वाई होता है वो भी नेगेटिव होता है। एक्स और वाई दोनों नेगेटिव होते हैं इस रीजन में, इस इलाके में एक्स और वाई दोनों नेगेटिव होते हैं, और यहाँ पर एक्स पॉजिटिव होता है, यहाँ पर एक्स पॉजिटिव होता है और वाई नेगेटिव होता है। तो ये वाला जो रीजन है, ये जो लाइन गुजर रही है ना, ये उधर से गुजर रही है जहाँ पर या तो एक्स और वाई दोनों नेगेटिव हो या तो एक्स और वाई दोनों पॉजिटिव हो। बात को समझिएगा, ये जो लाइन हमने बनाई है ये एक ऐसी जगह से गुजर रही है जहाँ पर या तो एक्स और वाई दोनों पॉजिटिव होंगे या जहाँ पर एक्स और वाई दोनों के दोनों नेगेटिव होंगे। तो अब इससे ये पूछा था, अ लाइन पासिस थ्रू ओरिजन एंड हैज अ पॉजिटिव ग्रेडियंट, विच ऑफ द फॉलोइंग पॉइंट्स कैन नॉट फॉल ऑन द लाइन। सर 2,3 तो हो सकता है वो फर्स्ट क्वाड्रेंट है, 1,4 हो सकता है वो भी फर्स्ट क्वाड्रेंट है, -1,-2 हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है, यहाँ पर एक्स और वाई दोनों नेगेटिव है, ये थर्ड क्वाड्रेंट है। 3,1 हो सकता है क्या? क्या 3,1 हो सकता है? क्या एक्स की वैल्यू पॉजिटिव और वाई की वैल्यू नेगेटिव? ऐसा हो सकता है कि ये लाइन जहां से गुजरे वहां पर एक्स की वैल्यू पॉजिटिव हो और वाई की वैल्यू नेगेटिव हो? क्या ऐसा पॉसिबल है? बताओ, क्या ऐसा पॉसिबल है कि अगर ये लाइन जो है उस पर कोई एक ऐसा पॉइंट हो जहां पर एक्स की वैल्यू पॉजिटिव हो और वाई की वैल्यू नेगेटिव हो? नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि वो ये वाला रीजन है, यहाँ पर एक्स पॉजिटिव और वाई नेगेटिव होता है, तो यहाँ से तो ये लाइन गुजरेगी ही नहीं, क्योंकि लाइन ओरिजिन से गुजरती है और अपवर्ड स्लोपिंग होती है। तो 5 का आंसर जो होगा वो 5 का आंसर जो होगा वो डी होगा, ठीक है। 5 का आंसर जो होगा वो डी होगा, क्लियर है। अच्छा, उसके बाद विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर करेक्ट, इसमें से कौन से जुमले सही हैं? पैरेलल लाइंस हैव ओनली वन पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। भाई पैरेलल लाइंस तो वो दो लाइंस होती हैं जो एक साथ साथ चल रही हो, साथ साथ चल रही हो और कभी एक दूसरे को इंटरसेक्ट या क्रॉस या कट ना करे, ठीक है। तो पैरेलल लाइंस तो वो लाइंस होती हैं जब कभी जो कभी भी इंटरसेक्ट नहीं करती हैं। यहाँ पे लिखा हुआ है पैरेलल लाइंस हैव ओनली वन पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, पैरेलल लाइंस का सिर्फ एक पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन होता है, ऐसा नहीं है। पैरेलल लाइंस का कोई भी पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन नहीं होता। द सम ऑफ ग्रेडियंट्स ऑफ टू पैरेलल लाइंस इज ऑलवेज इक्वल टू जीरो। दो पैरेलल लाइंस हैं, उन दोनों के ग्रेडियंट को जब मैं ऐड करूंगा तो आंसर जीरो आएगा हमेशा। नहीं, ऐसा जरूरी नहीं है, क्योंकि दोनों जो आपकी पैरेलल लाइंस होंगी, लेट से आपकी एक पैरेलल लाइन, एक लाइन आपकी यूं बनी हुई है, दूसरी लाइन भी यूं बनी हुई है, तो ये पहली लाइन है, इसका ग्रेडियंट लेट से अगर 2 है, अब अगर एक और लाइन है जो इससे पैरेलल है तो उसका ग्रेडियंट भी 2 होगा। ये याद रखिएगा कि अगर पहली लाइन लाइन 1 है जिसका ग्रेडियंट 2 है और दूसरी लाइन लाइन नंबर 2 है जिसका ग्रेडियंट, जो दोनों पैरेलल लाइंस है, अगर ये दोनों पैरेलल है तो दोनों का ग्रेडियंट इक्वल होगा, एक ही जितना होगा, और जब हम इसको ऐड करेंगे तो 2 और 2 4 बनता है। तो ऐसा जरूरी नहीं है कि सम 0 बने। ग्रेडियंट ऑफ टू पैरेलल लाइंस इज ऑलवेज इक्वल टू ईच अदर, ये बात सही है। दो पैरेलल लाइंस का ग्रेडियंट हमेशा एक दूसरे के बराबर होता है, दो पैरेलल लाइंस का ग्रेडियंट हमेशा एक जितना होता है, एक दूसरे के इक्वल होता है। तो अगर दो लाइंस पैरेलल लाइंस हैं तो उन दोनों का ग्रेडियंट एक दूसरे के बराबर होगा, अगर दो लाइंस पैरेलल लाइंस हैं उन दोनों का ग्रेडियंट एक दूसरे के इक्वल होगा।
तो हमारा सिक्स का जो आंसर बनेगा वो सी होना चाहिए, हमारा सिक्स का जो आंसर होगा वो सी होना चाहिए। सेवन पर आते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर करेक्ट, कौन से जुमले सही हैं। परपेंडिकुलर लाइंस हैव ओनली वन पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, परपेंडिकुलर लाइंस नेवर इंटरसेक्ट, ग्रेडियंट ऑफ टू परपेंडिकुलर लाइंस आर ऑलवेज इक्वल टू ईच अदर, ऑल ऑफ द अबव। इसमें पूछा कौन सा जुमला सही है, ग्रेडियंट ऑफ टू परपेंडिकुलर लाइंस आर ऑलवेज इक्वल टू ईच अदर। ये वाली प्रॉपर्टी तो पैरेलल लाइंस की होती है, परपेंडिकुलर लाइंस की नहीं होती है। अगर दो लाइंस पैरेलल है ना, अगर दो लाइंस पैरेलल हैं तो उनका ग्रेडियंट एक दूसरे के इक्वल होता है। परपेंडिकुलर लाइंस का तो ग्रेडियंट जो होता था उसका मल्टीपल -1 होता है, एम वन इंटू एम टू इज इक्वल टू -1। अगर दो परपेंडिकुलर लाइन के ग्रेडियंट को मल्टीप्लाई किया जाएगा तो आंसर -1 आता है। अच्छा, परपेंडिकुलर लाइंस नेवर इंटरसेक्ट, भाई परपेंडिकुलर लाइंस इंटरसेक्ट करती हैं, परपेंडिकुलर लाइंस इंटरसेक्ट करती हैं। एक बार परपेंडिकुलर लाइंस कौन सी होती हैं, जिस तरह से मल्टीप्लाई या प्लस का निशान है, एक लाइन ऊपर जा रही है एक लाइन नीचे जा रही है, तो ये दो लाइंस आपस में परपेंडिकुलर लाइंस हैं, इनके बीच में 90 डिग्रीज का एंगल होता है। लेट से ये लाइन नंबर 1 है और ये लाइन नंबर 2 है, परपेंडिकुलर लाइंस वो होती हैं जो इंटरसेक्ट करती हैं। तो 7 का आंसर बी होगा, उसने हमसे ये पूछा था कि कौन सा कौन सी चीज इसमें से सही है। ओ अच्छा, नहीं बी ए होगा, ए होगा, सॉरी सॉरी। परपेंडिकुलर लाइंस हैव ओनली वन पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, एक पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन होता है ना, ठीक है। परपेंडिकुलर लाइंस जो होती हैं, एक लाइन ऊपर जा रही है एक लाइन नीचे जा रही है, तो ये दोनों लाइंस एक जगह पर इंटरसेक्ट करेंगी। परपेंडिकुलर लाइंस हैव ओनली वन पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। अगर परपेंडिकुलर लाइंस हैं, एक लाइन ऊपर जा रही है और एक लाइन नीचे जा रही है, तो ये जो परपेंडिकुलर लाइंस हैं इनका एक पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन होगा। अच्छा, फिर लिखा हुआ है द स्लोप ऑफ द लाइन वाई इज इक्वल टू 3x+2 इज। भाई आपने अगर किसी लाइन का स्लोप देखना है तो उसको वाई इज इक्वल टू mx+c से कंपेयर करना होता है। आप क्या करोगे, आप इसको y इज इक्वल टू mx+c से कंपेयर करोगे। आपके पास लिखा हुआ है y इज इक्वल टू 3x+2, तो इधर आपका m जो है वो 3 के बराबर है, उसने स्लोप ही हमसे पूछा था, यानी कि 8 का आंसर होगा a। अच्छा, द स्लोप ऑफ अ लाइन पासिंग थ्रू ओरिजन एंड अ पॉइंट 4,5 विल बी। एक ऐसी लाइन है जो ओरिजन से गुजर रही है और 4,5 से गुजर रही है, इसका स्लोप क्या होगा। अब ओरिजिन का क्या मतलब होता है, ओरिजिन का मतलब होता है 0,0 से गुजरना, तो ये वो लाइन है जो 0,0 से गुजर रही है और ये कहाँ से गुजर रही है, ये 4,5 से गुजर रही है। स्लोप का फॉर्मूला क्या होता है, एम इज इक्वल टू y2 - y1, y2 - y1 डिवाइडेड बाई x2 - x1, ठीक है। तो आपके पास y2 - y1 यानी कि 5 - 0 डिवाइडेड बाई x2 - x1 यानी कि 4 - 0। y2 - y1 यानी कि 5 - 0 डिवाइडेड बाई x2 - x1 यानी कि 4 - 0। तो y2 - y1 डिवाइडेड बाई x2 - x1 करते हैं अगर हम कैलकुलेट, तो ये बन जाता है हमारा 1.25। 9 का आंसर डी होगा, 9 का आंसर डी होगा, स्लोप हमने कैलकुलेट करा। ओरिजिन का मतलब क्या होता है, ओरिजिन का मतलब होता है 0,0। अगला है, एन अपवर्ड स्लोपिंग लाइन इज सच दैट एट ईच पॉइंट द एक्स एंड वाई वैल्यूज ऑफ ईच ऑफ इट्स कोऑर्डिनेट्स इज इक्वल टू ईच अदर, व्हाट विल बी द स्लोप ऑफ दिस अपवर्ड स्लोपिंग लाइन। एन अपवर्ड स्लोपिंग लाइन, एक अपवर्ड स्लोपिंग लाइन है और वो लाइन किस तरह की है, इज सच दैट, इस तरह की है, इज सच दैट एट ईच पॉइंट, हर पॉइंट पर द एक्स एंड वाई वैल्यूज ऑफ ईच ऑफ इट्स कोऑर्डिनेट्स इज इक्वल टू ईच अदर। एक अपवर्ड स्लोपिंग लाइन है और वो अपवर्ड स्लोपिंग लाइन इस तरह की लाइन है कि उसके हर पॉइंट पर एक्स और वाई की वैल्यूज एक दूसरे के बराबर होती हैं। व्हाट विल बी द स्लोप ऑफ दिस अपवर्ड स्लोपिंग लाइन, इस अपवर्ड स्लोपिंग लाइन का क्या स्लोप होगा। देखो, एक अपवर्ड स्लोपिंग लाइन है ना, तो ये 0,0 से गुजरेगी, फिर ये 1,1 से गुजरेगी, फिर ये लाइन 2,2 से गुजरेगी, फिर ये लाइन 3,3 से गुजरेगी। इस लाइन की बात कर रहा हूँ, एक अपवर्ड स्लोपिंग लाइन हो और इस तरह की लाइन हो कि जिस लाइन पर हमेशा एक्स और वाई की जो वैल्यूज होती हैं वो एक दूसरे के बराबर होती हैं। एन अपवर्ड स्लोपिंग लाइन इज सच दैट एट ईच पॉइंट द एक्स एंड वाई
वैल्यू ऑफ ईच ऑफ इट्स कोऑर्डिनेट्स इज इक्वल टू ईच अदर, तो इसका जो स्लोप होगा वो डेफिनेट सी बात है कि वन होगा। जो स्लोप होता है वो हमें ये बताता है कि अगर एक्स एक से इंक्रीज होगा तो वाई कितने से इंक्रीज होगा। तो यहाँ पर हमें पता है कि एक्स एक से इंक्रीज होगा तो वाई भी एक से ही इंक्रीज होगा, यानी कि 10 का जो आंसर होगा वो सी होगा। 10 का जो आंसर होगा वो सी होगा, करेक्ट। अच्छा, 11, लाइन ए सच दैट इट इज पैरेलल टू एक्स एक्सिस। लाइन ए एक ऐसी लाइन है, इस तरह की लाइन है कि वो एक्स एक्सिस से पैरेलल है। विच स्टेटमेंट अबाउट दिस लाइन इज करेक्ट, इस लाइन के बारे में कौन सा जुमला सही है। अच्छा, अगर कोई भी लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस होती है, अगर कोई भी लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस होती है तो उसका ग्रेडियंट क्या होता है, उसका ग्रेडियंट क्या होता है, उसका ग्रेडियंट जीरो होता है, ठीक है ना। देखिए, अगर मैं यहाँ पर आपके लिए एक एक्स एक्सिस बना दूं और एक वाई एक्सिस बना दूं, यह हमारे पास एक्स एक्सिस है, यह हमारे पास वाई एक्सिस है, और ये लाइन ए जो जिस लाइन की बात कर रहे हैं वो इस तरह की होगी या इस तरह की होगी, सीधी होगी, पैरेलल टू एक्स एक्सिस होगी, ठीक है। देर विल बी नो वाई इंटरसेप्ट फॉर दिस लाइन, क्या इस लाइन का वाई इंटरसेप्ट होगा ही नहीं, क्या इस लाइन का वाई इंटरसेप्ट होगा ही नहीं। सर, अगर मैं एक लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस बनाऊंगा, अगर मैं एक लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस बनाऊंगा तो देर विल बी नो, हम ये नहीं कह सकते देर विल बी नो वाई इंटरसेप्ट फॉर दिस लाइन। इस लाइन का वाई इंटरसेप्ट तो होगा ना, इस लाइन का वाई इंटरसेप्ट तो होगा। देर विल बी नो एक्स इंटरसेप्ट फॉर दिस लाइन। अच्छा, इसके एक्स इंटरसेप्ट नहीं होगा अगर पैरेलल टू एक्स एक्सिस है, पैरेलल टू एक्स एक्सिस है, यानी कि एक्स एक्सिस के बिल्कुल ऊपर नहीं है, पैरेलल है, तो ये एक्स एक्सिस को कभी भी टकराएगी नहीं। द लाइन विल हैव अ पॉजिटिव ग्रेडियंट, द लाइन विल हैव अ नेगेटिव ग्रेडियंट, लाइन का जीरो का ग्रेडियंट होता है। तो हमारा जो सही ऑप्शन है 11 का सही आंसर क्या होगा, देर विल बी नो एक्स इंटरसेप्ट फॉर दिस लाइन, इस लाइन का कोई भी एक्स इंटरसेप्ट नहीं होगा, इस लाइन का कोई भी एक्स इंटरसेप्ट नहीं होगा, ठीक है जी। अच्छा, 11 के बाद 12, फिक्स कॉस्ट इज, फिक्स कॉस्ट कौन सी कॉस्ट होती है बताएं, फिक्स कॉस्ट कौन सी कॉस्ट होती है। फिक्स कॉस्ट इज अ कॉस्ट दैट डज नॉट चेंज विद लेवल ऑफ एक्टिविटी, पढ़ा है ना आप सबने, फिक्स कॉस्ट कौन सी कॉस्ट होती है। अ फिक्स फिक्स कॉस्ट इज अ कॉस्ट दैट डज नॉट चेंज विद द लेवल ऑफ एक्टिविटी। फिक्स कॉस्ट वो कॉस्ट होती है जो लेवल ऑफ एक्टिविटी के साथ चेंज नहीं होती है। फिक्स कॉस्ट इज अ कॉस्ट दैट डज नॉट चेंज विद द लेवल ऑफ एक्टिविटी, बड़े सिंपल सी बात थी और सिंपल सी डेफिनेशन थी। अच्छा, वेरिएबल कॉस्ट, वेरिएबल कॉस्ट इज अ कॉस्ट दैट डज नॉट चेंज विद द लेवल ऑफ एक्टिविटी। अ कॉस्ट दैट डज चेंज विद लेवल ऑफ एक्टिविटी। अ कॉस्ट दैट इज नॉट फिक्स पर यूनिट, अ कॉस्ट दैट इज नॉट इनकर्ड बाय द एंटिटी, क्या होगा। वेरिएबल कॉस्ट कौन सी कॉस्ट होती है सर, वेरिएबल कॉस्ट वो वाली कॉस्ट होती है जो लेवल ऑफ एक्टिविटी के साथ चेंज कर रही हो, यानी कि वेरिएबल कॉस्ट इज अ कॉस्ट दैट डज चेंज विद लेवल ऑफ एक्टिविटी, भी आंसर होगा। 14 पर आ जाते हैं, अ कंपनी सेल्स अ प्रोडक्ट विद अ सेलिंग प्राइस ऑफ ₹35, इफ वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट इज ₹10 एंड फिक्स कॉस्ट इज ₹250, कंप्यूट दी अमाउंट ऑफ टोटल कंट्रीब्यूशन नीडेड टू ब्रेक इवन। अच्छा जी, कंपनी के जो एक यूनिट की सेलिंग प्राइस है वो ₹35 है, कंपनी के जो वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट है, कंपनी के जो वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट है वो ₹10 है। अ कंपनी सेल्स अ सिंगल प्रोडक्ट विद अ सेलिंग प्राइस ऑफ ₹35, ए वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट इज ₹10, अगर पर यूनिट वेरिएबल कॉस्ट 10 हो तो आपके पास 25 का क्या आता है, कंट्रीब्यूशन पर यूनिट आता है। एंड फिक्स कॉस्ट इज ₹250, फिक्स कॉस्ट जो है आपकी, जो आपकी फिक्स कॉस्ट है वो ₹250 है। सवाल बोलते हैं कंप्यूट दी अमाउंट ऑफ टोटल कंट्रीब्यूशन नीडेड टू ब्रेक इवन, कितने कंट्रीब्यूशन की जरूरत होगी ब्रेक इवन करने के लिए, ब्रेक इवन करने के लिए। अच्छा, ब्रेक इवन होता क्या है ये बताओ, ब्रेक इवन पॉइंट क्या होता है। ब्रेक इवन पॉइंट वो पॉइंट होता है जहां पर कंपनी को नो प्रॉफिट नो लॉस, कंपनी को ना प्रॉफिट हो और ना लॉस हो। दूसरी डेफिनेशन क्या है ब्रेक इवन पॉइंट की, ब्रेक इवन पॉइंट पर टोटल रेवेन्यू, ब्रेक इवन पॉइंट पर टोटल सेल्स रेवेन्यू जो होता है ना कंपनी का, ब्रेक इवन पॉइंट पर टोटल सेल्स रेवेन्यू जो होता है वो टोटल कॉस्ट के बराबर होता है। और एक और बात होती है ब्रेक इवन पॉइंट पर, वो क्या होती है, एक तो ये हो गया कि ब्रेक इवन पॉइंट वो पॉइंट है जहां पर कंपनी को ना प्रॉफिट है ना लॉस है, एक ये बात हो गई कि ब्रेक इवन पॉइंट पर कंपनी का टोटल रेवेन्यू और कंपनी की टोटल कॉस्ट एक दूसरे के बराबर होती हैं। एक और बात भी ब्रेक इवन पॉइंट की होती है, वो क्या होती है,
एक और बात जो ब्रेक इवन पॉइंट की होती है वो ये होती है कि कंपनी की टोटल कंट्रीब्यूशन, ब्रेक इवन पॉइंट पर कंपनी की टोटल कंट्रीब्यूशन कंपनी की टोटल फिक्स कॉस्ट के बराबर होती है। हाँ या नहीं? कंपनी की जो टोटल कंट्रीब्यूशन होती है वो कंपनी की टोटल फिक्स कॉस्ट के बराबर होती है, क्योंकि देखो ना, हमने एक चीज पढ़ी भी है, सेल्स रेवेन्यू में से हम सबसे पहले वेरिएबल कॉस्ट माइनस करते हैं, वेरिएबल कॉस्ट माइनस करते हैं तो कंट्रीब्यूशन बच जाती है। मिसाल ले लो, मिसाल ले लो, एग्जाम्पल ले लो, एग्जाम्पल ले लो, एग्जाम्पल ले लो, 25 रुपए की आपकी या 40 45 रुपए की कंट्रीब्यूशन बची। अब अगर ये ब्रेक इवन पॉइंट है तो फिक्स कॉस्ट भी 45 होगी, तभी 45 में से 45 माइनस होकर प्रॉफिट जीरो आएगा। हाँ या नहीं? ब्रेक इवन वो पॉइंट होता है जहां पर कंपनी को ना प्रॉफिट हो रहा हो ना लॉस हो रहा हो। इसका मतलब ये हो गया कि जितनी कंट्रीब्यूशन होती है वो सारी के सारी फिक्स कॉस्ट के बराबर होती है, तभी कंपनी ब्रेक इवन पॉइंट पर होगी। एग्रीड? तो अब उसने ये पूछा, कंपनी सेल्स अ सिंगल प्रोडक्ट विद अ सेलिंग प्राइस ऑफ ₹35। कंपनी एक सिंगल प्रोडक्ट बेचती है जिसकी सेलिंग प्राइस 35 रुपए है। इफ वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट इज ₹10, अगर वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट 10 है यानी कि कंट्रीब्यूशन पर यूनिट 25 हो गई, एंड फिक्स कॉस्ट इज ₹250, और अगर फिक्स कॉस्ट ₹250 हो, कंप्यूट दी अमाउंट ऑफ टोटल कंट्रीब्यूशन नीडेड टू ब्रेक इवन। हमारी ब्रेक इवन पॉइंट पर टोटल कंट्रीब्यूशन कितनी होगी, ब्रेक इवन पॉइंट पर हमारी टोटल कंट्रीब्यूशन कितनी होगी ये पूछ रहा है आपसे। कंप्यूट दी अमाउंट ऑफ टोटल कंट्रीब्यूशन नीडेड टू ब्रेक इवन। तो भाई ब्रेक इवन पॉइंट पर हमारी जितनी फिक्स कॉस्ट होगी, अगर कंट्रीब्यूशन भी उतनी ही होगी तो ही हम ब्रेक इवन पॉइंट पर होंगे, यानी कि 14 का जो आंसर होगा ना वो बी होगा। ठीक है, तो अगर मैं इसको समराइज करता हूं तो जो टोटल कंट्रीब्यूशन है ना, टोटल कंट्रीब्यूशन ब्रेक इवन पॉइंट पर मुझे चाहिए वो कितनी चाहिए, 250 चाहिए। अच्छा एक और बात, अगर वो मुझसे ब्रेक इवन पॉइंट यूनिट्स पूछ लेता, ब्रेक इवन पॉइंट इन यूनिट्स, ब्रेक इवन पॉइंट इन यूनिट्स पूछ लेता, तो ब्रेक इवन पॉइंट इन यूनिट्स कैसे आता है? ब्रेक इवन पॉइंट इन यूनिट्स के लिए आप फिक्स कॉस्ट को डिवाइड कर देते हो कंट्रीब्यूशन पर यूनिट से। तो अगर आप ऐसा करते, आपकी फिक्स कॉस्ट है 250 और आपकी कंट्रीब्यूशन पर यूनिट है 25, तो ये हो जाता है 10 यूनिट्स। ठीक है जी, टोटल कंट्रीब्यूशन 250 है। अच्छा, अगर आपसे वो ब्रेक इवन पॉइंट इन यूनिट्स पूछता तो कंट्रीब्यूशन फिक्स कॉस्ट को आप कंट्रीब्यूशन पर यूनिट से डिवाइड करते, फिक्स कॉस्ट आपकी ₹250 है और कंट्रीब्यूशन पर यूनिट जो है वो हमने ₹25 कैलकुलेट करी है, तो इससे भी हमारा आंसर 10 आ रहा होता। 10 यूनिट्स पर सेल्स रेवेन्यू कितना होता, 10 यूनिट्स पर सेल्स रेवेन्यू कितना होता है, 10 × 35। 10 यूनिट्स पर सेल्स रेवेन्यू कितना होता है, 10 × 35, 10 × 35। अच्छा, 10 यूनिट्स की वेरिएबल कॉस्ट कितनी होती, 10 यूनिट्स की वेरिएबल कॉस्ट कितनी होती, 10 × 10 × 25, 10 × 25, 10 × 25। अच्छा, 10 यूनिट्स की कंट्रीब्यूशन कितनी होती, 10 यूनिट्स की कंट्रीब्यूशन कितनी होती, सेल्स रेवेन्यू में से वेरिएबल कॉस्ट को माइनस किया, और एक मिनट एक मिनट एक मिनट, वेरिएबल कॉस्ट सॉरी 10 है ना, 10 है, 10 है, 10 है, 10 है, वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट 10 है, तो ये आता हमारा 10 × 10। कंट्रीब्यूशन हो जाती है हमारी 250, और हमारी जो फिक्स कॉस्ट है, हमारी जो फिक्स कॉस्ट है, हमारी जो फिक्स कॉस्ट है वो भी होती 250। तो हम कहाँ आते, हम इस हिसाब से भी जीरो के वैल्यू पर आ रहे होते। क्या ये बात क्लियर है? ठीक है, 14 का आंसर क्या है, 14 का आंसर बी है, 14 का आंसर बी है। अच्छा 15, अ कंपनी सेल्स अ सिंगल प्रोडक्ट विद अ सेलिंग प्राइस ऑफ ₹45 एंड वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट ऑफ ₹20। फॉर द कमिंग ईयर सेलिंग प्राइस एंड वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट ईच आर गोइंग टू इंक्रीज बाई 2%। कंप्यूट दी परसेंटेज चेंज इन कंट्रीब्यूशन पर यूनिट फॉर द 2 ईयर्स अंडर डिस्कशन। वो ये कहते हैं कि कंपनी है, उसके एक यूनिट की जो सेलिंग प्राइस है ना, कंपनी है उसके एक यूनिट की सेलिंग प्राइस 45 है, उसकी जो वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट है, उसकी जो वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट है वो 20 है, तो कंपनी की जो कंट्रीब्यूशन पर यूनिट है, कंपनी की जो कंट्रीब्यूशन पर यूनिट है वो कितनी है, वो 25 है। अ कंपनी सेल्स अ सिंगल प्रोडक्ट विद अ सेलिंग प्राइस ऑफ ₹45 एंड वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट ऑफ ₹20, तो कंपनी की जो कंट्रीब्यूशन पर यूनिट है वो 25 बन गई। फॉर द कमिंग ईयर, फॉर द कमिंग ईयर, अगले साल के लिए, लेट से ये फर्स्ट ईयर है, ये फर्स्ट ईयर है, सेकेंड ईयर के लिए, अगले साल के लिए, फॉर द कमिंग ईयर
सेलिंग प्राइस एंड वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट ईच आर गोइंग टू इंक्रीज बाय ₹2। वो बोलते हैं आने वाले साल के लिए सेलिंग प्राइस ₹2 से बढ़ जाएगी 45 से, तो अब वो हो जाएगी 47। और जो वेरिएबल कॉस्ट है वो भी ₹2 से बढ़ जाएगी, पहले -20 थी अब -22 हो जाएगी। तो हमारी नई वाली कंट्रीब्यूशन कितनी हो जाएगी, नई वाली कंट्रीब्यूशन भी 25 ही रहेगी। अगर सेलिंग प्राइस में ₹2 का इजाफा है और साथ में वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट में भी ₹2 का इजाफा है, तो कंट्रीब्यूशन पर यूनिट में कोई चेंज नहीं है। अब आपसे उसने ये पूछा था, कंप्यूट परसेंटेज चेंज इन कंट्रीब्यूशन पर यूनिट फॉर द 2 ईयर्स अंडर डिस्कशन। कंट्रीब्यूशन पर यूनिट में क्या चेंज आएगा? तो जनाब कंट्रीब्यूशन पर यूनिट में कोई भी चेंज नहीं है, नो चेंज, या आप कह सकते हो 0%। नो चेंज या आप कह सकते हो 0%। नो चेंज या आप कह सकते हो 0%। आपकी जो कंट्रीब्यूशन पर यूनिट की वैल्यू है उसमें किसी किस्म का कोई भी चेंज नहीं है, यह 0% है, यानी कि 15 का आंसर होगा डी। ठीक है जी, तो हमने यहाँ पर ये पहले 15 सवाल अभी डिस्कस करे, ये 15 सवाल हमारे कंप्लीट हुए, और फिर बाद में इंशाल्लाह हम मजीद सवाल भी करेंगे।